हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोर्थ वीडियो है और हम इसमें देखेंगे अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके पहले आप लोगों ने अलग अलग चीजें देखी है, अगर मिस किया होगा तो यहाँ आई बटन है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब मैं अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ तो मैं पता करूंगा एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, और डिवीजन कैसे होता है। तो हम ये चारों अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस से मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, z1 व्हिच इज a + ib और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 व्हिच इज लेट अस से c + id ले लेते हैं, c + id। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और मुझे ऑपरेशंस देखना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो हम देखेंगे वो है एडिशन। सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात ऐसी होगी कि हमें z1 प्लस z2 देखना है। तो ये क्या होगा, तो z1 है a प्लस ib प्लस z2 है c प्लस id। आप जब इनको ऐड करोगे तो रियल पार्ट से ऐड होगा, तो ये बन जाएगा a प्लस c और ये i यहां से कॉमन निकला, तो इमेजिनरी पार्ट से कॉमन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस c प्लस i टाइम्स b प्लस d। तो बेसिकली इन दोनों के रियल पार्ट्स ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो जाएंगे और ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। फिर से ये कौन से फॉर्म में आया, x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया, राइट। तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया मतलब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो z1 प्लस z2 इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, ठीक है। और यहाँ पे एक दो नोट अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन है ना, जो एडिशन है, एडिशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है दैट इज, ठीक है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, ये हो गया कम्यूटेटिव के बारे में, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव, राइट। मतलब आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कोई भी दो का पहले आप एडिशन करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, दे आर नथिंग बट द सेम थिंग, तो ये कहते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ एडिशन के बारे में, सेकंड पॉइंट हुआ एडिशन को लेके, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है ना, ये बड़ा खास है ना, ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन। ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है बेटा, हमको ना ग्राफिकली भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते आना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आके हमें बहुत हेल्प करेगा अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता हो। तो एडिशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर, चलिए आर्गन्स प्लेन आएगा, ठीक है। आपको याद है ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए z1 और z2, तो अगर मैं कोई एक पी पॉइंट ले लूं, ठीक है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, राइट, तो जो कि क्या होगा a, b होगा, ये z1, ठीक है। तो ये z1 हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पी ऑफ z1 भी कह सकते हो आप इसको। कोई दूसरा हमने ले लिया, लेट अस यहाँ पे कहीं क्यू ले लिया विच इज क्यू ऑफ z2, ये पॉइंट क्या होगा, अगर आप लिखना चाहो तो ये पॉइंट होगा c, d, करेक्ट। तो ये पॉइंट जो होगा ना सर, वो हो गया c, d, क्योंकि c + id है। आपको याद है ना रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो एडिशन कैसे वर्क होगा, तो ये बहुत सारा वेक्टर्स के जैसा ही फॉलो करता है। तो आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे यूजिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना। सो देन ये पैरेललोग्राम बनने के बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट होगा r, दिस विल बी नथिंग बट z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दे डायगनल, ये क्या है डायगनल, तो एडिशन इज नथिंग बट डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ओ पी आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम हियर, ठीक है। तो इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन वेक्टर्स। अगर ये कहूं तो आपको याद होगा कि इफ z1 एंड z2 आर साइड्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन z1 प्लस z2 इज डायगनल, राइट, डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दे वर्क इन द सेम वे, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर्स का बहुत हेल्प लिया जाता है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए इस बात को, तो ये मेरा पहला ऑपरेशन है। चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है हमारा सब्ट्रैक्शन। आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चार ऑपरेशन देखने थे हमें, तो सेकेंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे वर्क होगा सर, तो z1 माइनस z2 अगर चाहिए तो ये हो जाएगा a प्लस ib माइनस c प्लस id, ठीक है। तो दस ये क्या होगा, अभी रियल पार्ट से, तो a माइनस c प्लस i टाइम्स b माइनस d, ठीक है।
तो ये जेड वन माइनस जेड टू हो गया। तो बेसिकली आपको एक बात तो समझ आ रही है कि ये जो सब्ट्रैक्शन करके आता है, दिस इज ऑल्सो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये क्या होते हैं, दे आर न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये बात होगी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सर, तो बच्चों ध्यान आपको है कि वेक्टर्स में कैसा होता था, अगर हम फिर से एक्सिस बना ले, है ना, ये है हमारा रियल एक्सिस और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे दिखा दिया कोई P जो कि Z1 को रिप्रेजेंट करता है, हमने यहाँ दिखा दिया कोई Q जो कि Z2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, हमें तो Z1 माइनस Z2 चाहिए, तो माइनस Z2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिवर्स डिरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो Q डैश है ये हमारा क्या होगा, Z2 हो का माइनस Z2 हो जाएगा, राइट। तो ये Q डैश माइनस Z2 हो जाएगा सर, ये माइनस Z2, गॉट इट। तो माइनस Z2 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये Q डैश हो गया, ये O हो गया, अब आप यहाँ पैरेलोग्राम बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इससे पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो इससे पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर ली और ये, सो देयरफॉर जब आप ये पैरेलोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये जो आएगा ये R होगा, एंड थस दिस विल बी नथिंग बट Z1 माइनस Z2, इस पैरेलोग्राम का डायग्राम। बट अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन वेक्टर्स, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 जो है ये होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं O Q डैश R एंड P is a parallelogram here, है ना। तो अगेन Z1 जो है वो एक साइड हुआ एंड माइनस Z2 जो है वो दूसरा साइड हुआ, तो आप माइनस Z2 कैसे लाते हो, आपको याद है वेक्टर्स में हमने ये सारी बात की होती है, दैट दिस इज माइनस Z2, ओके। और पैरेलोग्राम बनाया, अगेन डायगोनल का जो पॉइंट हुआ, राइट, दैट बिकम्स द Z1 माइनस Z2, जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। तो ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन, दूसरा हमारा ऑपरेशन, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए आप, वेक्टर्स के जैसा ही है, एग्जैक्टली वेक्टर्स ही है, ठीक है। लिखते रहिए बेटा, नोट बनाइएगा अच्छे से ना? और समझिए बात को। थर्ड हमें देखना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, जैसे हम नॉर्मली वर्क करते हैं वैसे ही होगा। तो मुझे Z1 Z2 निकालना है, मतलब ये ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी होगा, ठीक है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो दैट इज ए सी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस आई टाइम्स बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। आई स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है सर, आई स्क्वायर हमने पढ़ा था माइनस वन होता है, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ए सी प्लस यहाँ से आई कॉमन, तो ए डी प्लस बी सी और ये माइनस बी डी हो जाएगा। तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो रियल पार्ट को इकट्ठा कर लो, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विच इज ऑफ दिस काइंड। तो बस सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही यू करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो अगेन ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब, ठीक है, जेड वन जेड टू को मल्टीप्लाई करके फिर जेड थ्री से करिए, या जेड वन इंटू जेड टू जेड थ्री करिए, एक ही बात होगी। अगेन ये कम्यूटेटिव भी है, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा। तो कम्युनिटी लॉ का मतलब Z1 Z2 करो या Z2 Z1 करो, यू विल गेट द सेम आंसर सर। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम कहेंगे कि अगर ये है कोई P विच इज विद Z1, अगर ये है कोई Q विद Z2, तो देयर कैन बी अ थर्ड वेक्टर, है ना, कैसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, राइट। इट डिपेंड्स कि Z1 Z2 कैसे है, राइट। तो मैग्नीट्यूड इनका कैसे, अगर हाफ हुआ और ये भी हाफ हुआ तो ये छोटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वगैरह वगैरह डिपेंड करेगा। हम आगे धीरे धीरे समझेंगे कि हाउ डू वी ग्राफ दिस, ठीक है। तो इट विल बी अनदर वेक्टर। व्हाट आई वांट टू शो हियर इज कि इस प्लेन पे ये आर एक दूसरा वेक्टर या दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर क्यों कह रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स को मैच करा सकते हैं आप, ठीक है। सो बेसिकली ये रेडियस वेक्टर कह सकते हो, या एक अलग लाइन सेगमेंट मिलेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएगा Z1 Z2, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन सर ऐसा ही क्यों, आपने इधर ही क्यों लिया, बीच में नहीं आ सकता क्या, यहाँ नहीं आ सकता क्या, हर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि Z1 और Z2 क्या है, तो जस्ट आई हैव शोन कि इट विल बी अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अच्छा, ये सेम नहीं हो सकता क्या, हो भी सकता है, अगर इनमें से एक वन हो जाए तो ये सेम भी हो सकता है, राइट। मतलब कि ये कोइंसाइड हो जाता है Q और R, अगर Z1 को वन कर दिया जाए तो हमें पता नहीं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। बट अभी नोटेशन के लिए हम दिखाएंगे कि इस तरह है ये, ओके। तो ये थर्ड ऑपरेशन है हमारा, एंड लास्टली फोर्थ ऑपरेशन विच इज डिवीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मुझे Z1 बाय Z2 निकालना है, ओके सर। सो नाउ Z1 बाय Z2 जब निकालते हैं ना, यहां थोड़ी खास बात करनी होती है, ए प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी,
तो जब हमें निकालना होगा ऐसे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में ना उसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आई डी एंड ऑल्सो डिवाइड बाय सी माइनस आई डी, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन विल आल्सो बी न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो नीचे का हमें जो टर्म है वो रियल बनाना है, तो हमने क्या किया, रैशनलाइज किया। अब याद रखिएगा, अब ऊपर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या होगा सर, तो अगेन ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, राइट, सेम स्टेप मैंने वापस लिख दी। अब ये जो मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी इक्वल टू ए इंटू सी, जैसे आप करोगे राइट, तो माइनस आई ए डी, ठीक है, फिर प्लस आई बी सी, ठीक है, और फिर यहां पे आएगा माइनस आई स्क्वायर बी डी, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे आप देखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। सर कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ना आई स्क्वायर खुद माइनस वन होता है, ठीक है, तो ऐसी बात होगी। अब यहां पे होगा ए सी प्लस बी डी रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी, ठीक है, आप ये करिएगा अच्छे से, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अलग अलग कर देंगे तो ये हो गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया इसका, प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, एंड थस वी गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर शुड ऑल्सो बी अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स प्लस आर वाई के फॉर्म में आ गया, हेंस दिस इज अवर आंसर। तो ये लाने के लिए ही तो हम रैशनलाइज कर रहे थे। ओके चलिए इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे सर, जैसे मल्टीप्लीकेशन दिखाया था वैसे ही बता देंगे आप। एक आपने P ले लिया Z1, एक आपने Q ले लिया Z2, ठीक है, पता नहीं R कहाँ होगा, राइट, कहीं भी हो सकता है, लेट अस से R will be over here which is Z1 by Z2, so we are not sure कि R कहाँ होगा, लेकिन somewhere it is a different complex number, right, so depends कि Z1 क्या है, Z2 क्या है, राइट, कैसे हम निकालते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे। ये तो बस बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। So, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हमें रेसिप्रोकल निकालना है ना, तो लेट अस से z इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1 बाय 3 प्लस 4i डिवाइड बाय 25, राइट, तो z इज व्हाट वी नीड हियर, हमारा आंसर जो है ना वो z है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, यस सर, सो 25 बाय 3 प्लस 4i, बट ये बराबर फॉर्म में नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये डिवीजन है, राइट, डिवीजन करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज, तो 3 माइनस 4i से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, अब ऊपर में क्या होगा 25 3 माइनस 4i डिवाइड बाई, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके सर, तो 25 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 9, ठीक है, ये माइनस 16 आई स्क्वायर, राइट, अब आपको पता है कि आई स्क्वायर खुद एक माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स 3 माइनस 4i डिवाइड बाय 9 प्लस 16, तो ये भी 25 होगा और ये इसको कट करेगा, तो देयरफॉर 3 माइनस 4i विल बी योर आंसर, ये बराबर फॉर्म में आ गया x प्लस आई वाई के, यस सर, तो ये एक्सेप्टेबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज नथिंग बट 3 माइनस 4i, अगर आप और कंफर्म करना चाहो तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो, that should come out to be equal to 1, multiplicative inverse यही होता है ना, 2 का multiplicative inverse क्या है, 1 by 2, क्यों, क्योंकि product is 1, ठीक है, तो multiplicative inverse ऐसा होता है, मैंने question इसीलिए लिया क्योंकि word शायद समझे ना बहुत सारे बच्चों को, okay, second question देखें, second question कहता है, n is 0 to infinity, और आपको summation of this करना है, अच्छा बेटा find क्या करना है, देखें, तो n को अगर 0 रखा, तो 2i by 3 power 0 हो जाएगा, फिर 1 रखोगे तो 2i by 3 पावर 1 हो जाएगा, फिर 2i by 3 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कब तक जाना है सर, इंफिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, बहुत अच्छे, तो इसको मैं 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 प्लस 2i by 3 प्लस 2i by 3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कैन आई से इट इज अ इनफाइनाइट जीपी, बच्चों क्या मैं कह सकता हूं ये जीपी में है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, फिर ये क्या है, आप देख रहे हो ना, राइट, क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर उसी का क्यूब पावर बढ़ता जा रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी है, विद फर्स्ट टर्म एज 1 एंड कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट करिए, सो 2i by 3, सो दस इट इज नथिंग बट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, व्हाट आई वांट इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी,
और वो क्या होता है सर, a अपॉन 1 माइनस r होता है, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस r, बस इसको यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो अब इसको यूज करते हैं, तो a का वैल्यू क्या दिया है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2i बाई 3, ठीक है, तो 1 अपॉन 3 माइनस 2i बाई 3 ऐसे हो गया, सो विच विल बी नथिंग बट 3 अपॉन 3 माइनस 2i। बट ये आंसर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, इसका आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होना चाहिए, x प्लस आई वाई होना चाहिए, तो ये डिवीजन में है, तो आई हैव टू डिवाइड 3 माइनस 2i। डिवीजन को कभी भी किस तरह करेंगे आप, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो आप रैशनलाइज करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2i डिवाइड बाय, ये अब क्या हो जाता है, तो बेटा आप समझने लगे हो ना, ये 9 प्लस 4 हो जाएगा, क्यों सर, ये 3 स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज माइनस 1, अभी कर रहे हैं बार बार, अब हम मोस्टली कर लेंगे हमेशा, तो नाउ ये अंदर अगर गया तो 9 प्लस 6i बाय 13 हो जाएगा, और यू कैन से 9 बाय 13 प्लस 6 बाय 13 टाइम्स i, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, तो दस और आंसर इज 9 बाय 13 प्लस 6 बाय 13 i, है ना, दैट विल बी नथिंग बट द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन देखते हैं जो मेंस में आया हुआ है, ठीक है, सो हाउ डज द क्वेश्चन कम्स ऑन दिस टॉपिक, ओके सर, सो थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, इफ द नंबर, चलिए आप ट्राई करिएगा खुद से, 1 माइनस आई पावर एन अपॉन 1 प्लस आई पावर एन माइनस 2 is real and positive, is real and positive, then n का value is, ठीक है, अगर ये real और positive है तो n का value क्या होगा, चलो करो आप attempt, कैसे होगा ये बात आपको, चलिए मैं भी try करता हूँ साथ में, तो ये n minus 2 है, ये n है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में i 1 minus i power n minus 2 into 1 minus i square, इसको मैंने n minus 2 के form में लेके आ गया, ठीक है, divide by 1 plus i power n minus 2, इन दोनों पावर्स को मैंने सेम किया ताकि मैं इनके रेशो को कुछ कर सकूं, राइट, आई शुड वर्क ऑन इट देन, ठीक है, तो इट विल बी नाउ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई रेस टू पावर एन माइनस 2, और ये आ गया आपका स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करें 1 माइनस 2i प्लस i स्क्वायर, इसको सिर्फ एक्सपैंड किया जैसे करते हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छे, ठीक है, अभी डिवीजन में ना बेटा, तो डिवीजन में वर्क कैसे होता है, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा 1 माइनस आई से, ठीक है, तभी ये वर्क होगा सर, क्योंकि ये रेशो में है, हाउ इट विल वर्क इन रेशियो, डिविजन वगैरह जब भी होता है तो इसी तरह करना पड़ेगा, और ये आई स्क्वायर और वन कैंसिल हो जाएगा, क्यों सर, आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो ये सिंपली माइनस टू आया गया, ठीक है बेटा, ओके, समझ रहे हैं सब लोग कैसे करते हैं हम लोग सारी स्टेप्स, है ना, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पावर एन था, मैंने एन माइनस टू और टू अलग कर दिया, कर सकते हैं ना, एन माइनस टू और टू अलग, और फिर अब इनके मैच हो गए पावर, तो इनको हम कॉमन पावर ले सकते हैं, और हम इनको रैशनलाइज करके अब सॉल्व करेंगे, तो अब ऊपर में क्या आएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर, और नीचे ये जब मल्टीप्लाई होगा, सर ये 1 माइनस आई स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट पावर है एन माइनस टू, और आगे माइनस टू आया है, ठीक है सर, ओके, नाउ इट इज इक्वल टू, ऊपर भी आप फिर से स्क्वायर करोगे 1 माइनस टू आई प्लस आई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा, एंड दिस कंप्लीटली, ठीक है, एन माइनस टू पावर में माइनस टू आई, ठीक है सर, ये सारे बात आ रही है, आई स्क्वायर और 1 कैंसिल, तो माइनस टू आई बाय 2 कंप्लीट पावर एन माइनस टू, माइनस टू आई हो गया, तो 10 2 एंड 2 कैंसिल, माइनस आई रेस टू पावर एन माइनस 2 इंटू माइनस 2i, अगर मैंने 2 को बाहर निकाला तो माइनस आई यहां पे भी रहेगा और माइनस आई एक और है, तो माइनस आई का पावर क्या होगा बेटा, माइनस आई रेस टू पावर कितना हो जाएगा एन माइनस 1, कैसे सर, ये एन माइनस 2 है और ये 1 है, तो एडिशन हो जाएगा ना पावर का, एन माइनस 2 और 1, ठीक है, तो ये आ गया सर, ठीक है, नाउ व्हाट डू आई वांट इज, आई वांट इट टू बी रियल एंड पॉजिटिव, अच्छा आई की कौन सी पावर रियल और पॉजिटिव होती है सर, अगेन इफ यू रिमेंबर आई पावर 4n, राइट, 4 का मल्टीपल 4n कहो, यहाँ पे n ऑलरेडी है, आई पावर 4 लैम्बडा इज 1, राइट, सिर्फ 4 के मल्टीपल जो होते हैं ना वही रियल और, आपको याद है ना कॉन्सेप्ट, 4 के मल्टीपल जो होंगे वही रियल और पॉजिटिव होते हैं, आप कहोगे आई स्क्वायर वो रियल एंड निगेटिव है, बट हमें क्या चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव, तो आई का पावर क्या होना चाहिए, तो देयरफॉर रियल n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 4 लैम्बडा, तो n जो है वो 4 लैम्बडा प्लस 1 होना चाहिए, आप लोग समझे ये क्या थ्योरी है,
सर ये आंसर तो आया मुझे, लेकिन इसके बाद में रियल एंड पॉजिटिव का नहीं समझ में आ रहा है। अभी आई का कौन सा पावर रहेगा जो रियल एंड पॉजिटिव के लिए हो? तो आपने देखा ना, आई हमेशा साइकिल ऑफ फोर में घूमता है, ठीक है? तो रियल जो है सिर्फ स्क्वायर और पावर फोर होता है, बट पॉजिटिव भी फोर लैम्बडा होना चाहिए, मतलब फोर के मल्टीपल होने चाहिए, इट शुड बी फोर का मल्टीपल। देयरफॉर यहाँ जो पावर है एन माइनस वन, इट शुड बी फोर का मल्टीपल, ठीक है? सो एन शुड बी ऑफ दिस फॉर्म, राइट? एन शुड बी ऑफ द फॉर्म फोर लैम्बडा प्लस वन, ठीक है बेटा? तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, लिख लीजिए आप अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं जो जेई मेंस में आया है, अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सो द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन, इसको मैं स्टार क्वेश्चन कहता हूं, और एक्चुअली स्टार क्वेश्चन ही ये मेंस में ना दो बार पूछा गया है, बट आई होप आप ये कर पाओगे अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस पुराने देखे हो तो, ठीक है? तो यहां क्या कह रहा है ये, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है 3 + 2i साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - 2i साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है? तो यहां पे ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका n पाई, सेकेंड ऑप्शन है आपका n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, थर्ड ऑप्शन है आपका n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, ठीक है? तो आपको क्या बोला गया यहाँ पे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली, सो विच इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा? अच्छा, आपने पुराने वीडियोज में देखा है प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, यस रियल पार्ट 0, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर फॉर्म में है क्या? नहीं है, राइट? हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट? ये आपको हिंट है, और कैसे लाओगे आप? डिवीजन का यूज करके, ठीक है? तो आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ओके? और फिर प्योरली इमेजिनरी के लिए आप क्या करोगे, रियल पार्ट को जीरो करोगे, ओके? सो करिएगा, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है, यस इट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस ना, रिसेंटली भी पूछा है, पहले भी पूछा गया था, तो जो भी आपका ऑप्शन आया होगा प्लीज कमेंट करिएगा, है ना? वो मुझे बताएगा कि आपका ये टॉपिक कितना अच्छे से हो गया है, ठीक है? और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।